आश्रम के बच्चे तो यहाँ हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ये तो दृश्यम है। ये हो रहा है दृश्यम। इस बार मैंने अपने पर नहीं, विवान पर दृश्यम किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने विवान को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिया था। तुमने विवान को तो एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिए, लेकिन अपने साथी तौबा तौबा उस बेवकूफ को तो तुमने खुला छोड़ रखा था। एक बात तुमने सही कही कि तुमने विवान को एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया, लेकिन बाजी पलटने के लिए आधा पल और एक चुटकी काफी होती है। अब आने वाला आधा पल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी आधा पल होगा। पार्टनर, बर्थडे के दिन भी मुझे किसी मिशन पर ले जा रहे हो? नहीं विवान, आज हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा देंगे। लेकिन पार्टनर, गिफ्ट देने के लिए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि यहीं पर तुम्हारी शुरुआत हुई थी, यहीं पर तुम्हारा वीर तिलक हुआ था और यहीं पर तुम्हें तुम्हारी सबसे पहली शक्ति मिली थी। मैं बालवीर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को देखने की और वहां तक जाने की शक्ति देता हूं। वाओ, इसका मतलब आज मुझे आप गिफ्ट में कोई नई जादुई शक्ति देने वाले हो, है ना? एक शक्ति नहीं, आज तुम्हें बालवीर की संपूर्ण शक्तियां एक साथ दी जाएगी। पार्टनर, बर्थडे के दिन अप्रैल फूल मत बनाओ प्लीज। शेयर शेयर देखिए ना, पार्टनर मेरे फिर के ले रहे हैं, वो भी आज के दिन। बालवीर सच बोल रहा है विवान, तुम्हें आज संपूर्ण शक्तियां दी जाएंगी। Thank you.
आज से हम और हमारा मकसद दोनों ही एक है। अच्छाई की जीत और बुराई की हार। तिमनासा, अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है, क्योंकि आज से बालवीर की शक्ति दुगनी हो गई है। ये मेरी लाइफ का सबसे सॉलिड गिफ्ट है। अरे तुम्हारी इस जबान क्यों लड़खड़ा रही है विवान? क्योंकि मुझे पूरी शक्तियां मिल गई है तो जिम्मेदारी फील कर रहा हूं, इसलिए पार्टनर बोलना अजीब लग रहा है। क्या बोलना चाहते हो विवान? ब्रो कैसा रहेगा? नहीं 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 दोस्त, नहीं, सबसे बेस्ट रहेगा भैया। भैया मुझे छोटे भाई जैसा प्यार दिया है, इसलिए आज से मैं आपको भैया बुलाऊंगा। वैसे तुम मुझे कुछ भी बुला सकते, कोई नियम कायदा नहीं। जानता हूँ, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, मम्मी मेरा वेट कर रही होगी। हाँ, मुझे इसकी क्या जरूरत? अब तुम्हें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, अच्छाई के प्रति समर्पण। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त तुम्हारे मन में एक पल के लिए भी शंका नहीं आनी चाहिए। कोई शंका नहीं आएगी। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर विवान उसे पूरी तरह से पूरा करता है। पहले लैंड करता था तो लगता था कि साइकिल पार्क कर रहा हूँ, लेकिन अब लैंड कर रहा हूँ तो लग रहा है कि एरोप्लेन पार्क कर रहा हूँ। विवान, क्या हुआ? खुद को आवाज दे रहा है? मैं तो ये बोलना चाहता था कि ये सारी गिफ्ट देख के विवान खुश हुआ। विवान अभी तो सिर्फ गिफ्ट देख के चीख रहा है,
जब तू बाकी के गिफ्ट खोलेगा ना तब तू तो एक्साइटमेंट से कूदने लग जाएगा। हाँ हाँ खोलता हूँ लेकिन उससे पहले जा। अरे क्या हुआ तुम तो ब्रेक के बाद आने वाले थे ना। मिस कॉल था दादाजी। इसमें भी वो तो ठीक है पर तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है इसलिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे मेरा बच्चा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पार्टी तो सुपर हिट थी बस एक चीज रह गई चिंटू चिंटी ने खाना नहीं खाया और ना ही वो अपने रिटर्न गिफ्ट लेके गए। ओहो उस वक्त तो उन दोनों को सबक सिखा के अच्छा लगा था लेकिन अब बुरा फील हो रहा है कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं मत मारो मुझे नहीं मत मारो मुझे बचाओ मम्मी बचाओ मत मारो मुझे। सो सॉरी मिस्टेक से गलती हो गई कोई तो बचाओ। नहीं नहीं मत मारो मुझे सॉरी नहीं मारो मुझे। चिंटू को भी बुरे सपने आते हैं? मुझे तो लगा था कि ये खुद दूसरे बच्चों की नींद में बुरा सपना बन के आता होगा। प्लीज नहीं मारो मुझे। नहीं नहीं बचो 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 मुझे। नहीं 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 सॉरी मत मारो मुझे। नहीं कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ मुझे। अब इसका बुरा सपना भी ठीक कर देता हूँ। भैया मैं हूँ लो तरबूज खा लो। लो भैया तरबूज खाओ। लो लो तरबूज तरबूज। चिंटी प्लीज मुझे छोड़ के मत जा मेरे को डर लग रहा है। चिंटी अपने हाथों से प्लीज तरबूज खिला दे मुझे भूख लग रही है। खिलाना चिंटी। ना चिंटी भैया मुंह खोल अभी खिलाती हूँ। अच्छा लग रहा है चिंटी कि तरबूज में पर चॉकलेट का फ्लेवर क्यों आ रहा है? हर बार यही हो रहा है तिमनासा। तुम्हारी हर योजना मिट्टी में मिल जाती है और हम धूल चाक के आते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे कभी कभी आपके वजह से भी धूल चाकनी पड़ती है भैरा जा। पहले जो काम सिर्फ मुश्किल था वो अब असंभव हो गया है। दो दो बालवीर से कैसे टकराएंगे हम लोग? अब हमारी जीत नामुमकिन है। मेरी सलाह मानिए इससे पहले कि वो दो बालवीर मिलकर एक और 11 हो जाए हमें 9-2-11 हो जाना चाहिए। हाँ भैरानी नन्ही उम्र की कसम दो दो बालवीर मैं तौबा तौबा की बात से बिल्कुल वो सहमत। हमारे पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई और वो नहीं है वो रास्ता रास्ता है, है? बालवीर ने अगर विवान को सारी शक्तियां दे दी हैं तो अब तिमनासा भी अपनी सेना को शक्तियां देगी अपने सैनिकों को शक्तियां देगी। शक्तियां हमें तौबा तौबा सुना तेरे हमें मिल रही है शक्तियां। हमें रानी कैसे
दुश्मन अगर ताकतवर हो जाए तो सिपाहियों को भी ताकतवर बनाना पड़ता है। लेकिन याद रहे, सिपाही सिपाही होता है और रानी रानी। लोक को बचाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं तिमनासा। लगता है मेरा दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट सबको पसंद आया है। यस। चंटू को अपने हाथों से चॉकलेट फ्लेवर वाला तरबूज भी खिलाया, फिर भी ये नहीं सुधरा। इससे पहले आइसक्रीम पिघल जाए हम यहाँ से निकल लेते हैं। चोरी छोटी हो या बड़ी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। चल 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 चल। ये क्यों हो रहा चिंडी? ओ चिंटू, तुम लोगों ने रोड को ट्रेडमिल क्यों बना रखा है? आज तुम दोनों जॉगिंग करने निकली हो क्या? अरे हम दौड़ तो रहे हैं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं चिंटी? आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिंटी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है तुम लोगों को चोरी पेट दुखादश का वायरस लग गया है। विवान, ये कौन सी बीमारी का वायरस है? ये एक नई बीमारी है, ये उन्हीं को होती है जो चोरी का माल हजम करने की कोशिश करते हैं। कहीं तुम दोनों ने भी कोई चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं नहीं, हमने पैसे देके खरीदी थी। इस बीमारी में इंसान का पेट तो दुखता है और साथ में इंसान भी दुखता है। एक ही जगह पर दौड़ती दौड़ती टपक जाता है। टपक जाता है मतलब? मतलब बाय बाय टाटा फॉरएवर। नहीं नहीं, लेकिन विवान कोई तो डॉक्टर होगा जिसके वजह से पेट दुखा जिसका इलाज होगा। है ना डॉक्टर गॉड, और इलाज है जिसका भी सामान तुम दोनों ने चोरी किया है उनसे माफी मांग लो। सिंपल। पर हम माफी कैसे मांगे, हम तो बिना प्राइस का मैराथन दौड़ रहे हैं। ये लो, तुम दोनों ने बस माफी मांगने का सोचा और आधा इलाज हो गया। अब जाओ जल्दी माफी भी मांग लो। चल चिंटी। सॉरी भैया। विवान सच मुझ में पूरी शक्तियां पाकर बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गए हैं। हाँ, और इसलिए समय आ गया है विवान को यहाँ बुलाकर तिमनासा के शक्ति स्रोत सर्वकाल को खत्म करने का। आओ और आकर सर्वकाल देवता से आशीर्वाद लो, अपना सर झुकाओ। हे सर्वकाल देवता, अपने इन बच्चों को शक्तियां दीजिए ताकि ये काल लोक की रक्षा कर सके। बेवकूफों को कभी पता नहीं चलेगा कि जिसे ये अपना देवता समझते हैं वो खुद मेरा बंदी है। लेकिन इसी बेवकूफी के कारण मैं इन पर राज कर रही हूं। हेलो मेरे मतलब कि भैया,
हेलो शेर सर, मेरे मतलब शौर्य। हेलो, आप लोगों ने मुझे याद किया। तैयार हो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए? आपका मतलब टिम्नासा के स्टोर में फुल स्टॉप लगाने को क्या मैं तैयार हूँ? ऑफ कोर्स तैयार हूँ भैया।